गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रखर सर झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी लोग? और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें फटाफट से, ठीक है। कुछ हैं जो ना तो लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं और साथ ही साथ देखते भी नहीं हैं, ठीक। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और टॉपिक का नाम रहेगा बृहत और लघु। बृहत और लघु जो पैट के एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। हेडिंग लगा लीजिए आप सभी लोग, बृहत और लघु। बृहत और लघु, दूसरी भाषा में इंग्लिश में ऐसे क्या बोलेंगे भैया? लार्ज एंड स्मॉल। लार्ज एंड स्मॉल लगाइए भाई। पैट के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो समझ लेंगे बृहत और लघु। नाम से ही समझ में आ रहा है, बृहत मतलब बड़ा और लघु मतलब छोटा, ठीक है। अब देखो इधर, अगर मैं कहता यहाँ पर इसमें चिन्ह होते हैं, कौन कौन से चिन्ह होते हैं, कौन कौन से चिन्ह होते हैं भाई? एक होता है ग्रेटर देन, कौन सा होता है? एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर इक्वल, एक होता है लेस इक्वल और एक होता है इक्वल। ये इन पांच चिन्हों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये पांच चिन्ह हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो इधर, वन बाई वन सारे चिन्हों का मतलब समझते हैं। बचपन में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट सेकंड से ही आपको समझाया जाता है कि जिधर मुंह खोल लो उधर बड़ा और जिधर मुंह बंद कर दो उधर छोटा, है ना, यही होता है ना। वही चीज़ है कि अगर मैं ए ग्रेटर देन बी लिखता, ए ग्रेटर देन बी लिखता, तो इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं ये बोल सकता हूँ ए बी से बड़ा है, बोल सकता हूँ ना, ए बी से बड़ा है। क्या मैं दूसरी भाषा में इसको ऐसे नहीं बोल सकता बी ए से छोटा है? बी ए से छोटा है बोल सकता हूँ ना, बी ए से छोटा है। अच्छा, एक भाषा में और मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसे कि ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर। बताओ, ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर, इसका मतलब क्या हो गया? ए जो है वो बी से क्या है? बड़ा है। बताओ, बात क्लियर हुई? अगर मैं बात करता लेस देन की, अगर मैं बात करता किसकी? लेस देन की, ए लेस देन बी, इसको मैं क्या बोलूँगा दूसरा? बताइए, मैं क्या कह सकता हूँ? ए बी से छोटा है कह सकता हूँ ना। देखो, जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा होता है और जिधर मुंह बंद होता है वो छोटा होता है ना। तो ए बी से छोटा हो गया। दूसरी भाषा में कैसे कह सकता हूँ? बी ए से, बी ए से क्या है? बड़ा है, बोल सकता हूँ ना, बी ए से बड़ा है। और दूसरी भाषा में और क्या बोल सकता हूँ इसे? कि जो ए है, जो ए है वो बी से, ए बी से ना तो बड़ा है, ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर, ना तो बड़ा है ना ही बराबर। बताओ, बात क्लियर हो रही है? इतनी बात समझ में आई? अब अगर मैं कहता ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन, ये दो सिंबल जो हमारे होते हैं, ये दो सिंबल जो हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? 100% होते हैं। यानी कि जब तक आपको दिखाई नहीं देगा तब तक आप कह नहीं सकते कि ये बड़ा है या छोटा है, ठीक है, 100% के साइन होते हैं। क्लियर है ना इतनी सी बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। दो चिन्ह और हैं, तीन चिन्ह और बचे हैं, उनका भी मतलब समझा देता हूँ, ठीक है, ले लिया होगा।
इसके बाद एक चिन्ह आता है कौन सा, ग्रेटर देन एंड इक्वल, ए ग्रेटर इक्वल। अब ए ग्रेटर इक्वल को आप कैसे बोलेंगे, ए या तो बी से बड़ा है या बराबर, ए या तो बी से बड़ा है या बराबर, और दूसरी भाषा में इसको क्या कह सकते हैं, ए बी से क्या नहीं है, छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है, बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं कहता ए लेस इक्वल बी, इसको कैसे बोलेंगे, ए बी से या तो छोटा है या बराबर, और दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, क्लियर है। और एक सिंबल और आता है क्या, बराबर वाला, क्या बोलेंगे इसे, ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है, और दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा, ना तो बड़ा है और ना ही छोटा, ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया ए बी के बराबर है। अब ये दो सिंबल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ए ग्रेटर इक्वल बी और ए लेस इक्वल बी, ये दोनों साइन जो हमारे होते हैं वो 50% के साइन होते हैं, क्यों, या तो बड़ा भी हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है, बात समझ में आई। और ए बराबर बी का मतलब क्या होता है, ये भी एक 100% का साइन होता है, जब तक आपको बराबर दिखाई नहीं देगा तब तक आप बराबर को सही नहीं करेंगे, क्लियर हुआ इतना पॉइंट, इसका एसएस ले लो फटाफट, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेंगे, है ना। चलो भाई देख लो इधर, अब इसका कॉन्सेप्ट देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, जब भी आप ग्रेटर का साइन चेक करेंगे, मीन्स हमें ये देखना होगा ग्रेटर कहाँ पे आपका सही है, तो आपको क्या करना है, ग्रेटर आपको चेक करने के लिए ग्रेटर चेक करें या फिर या लेस चेक करें, तो हमें क्या करना है, ग्रेटर या लेस के लिए आपको क्या करना है, कम से कम एक ग्रेटर या लेस मिलना चाहिए, बशर्ते चिन्ह ना बदले। मीन्स कहने का ये है कि अगर आप ग्रेटर चेक कर रहे हैं तो दो ऑब्जेक्टों के बीच में कम से कम एक ग्रेटर तो होना ही चाहिए। अगर आप लेस चेक कर रहे हैं तो दो ऑब्जेक्टों के बीच में कम से कम एक लेस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या चीज़ है, चिन्ह बदलना नहीं चाहिए, मीन्स अगर आपको ग्रेटर चेक करना है तो बीच में कहीं भी लेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ग्रेटर इक्वल चेक करना है या लेस इक्वल चेक करना है तो उसके लिए आपको दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल ही मिलना चाहिए, बशर्ते चिन्ह ना बदले। और इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल का मतलब होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है, अब इसको अच्छे से समझ लो, है ना। एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं।
ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, है ना। चलो भाई अब देखो कैसे क्वेश्चन होंगे इसके। देखो पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कराने से पहले सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, है ना। अब जब तक आपको तरीका नहीं पता होगा आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन पूछने का ही तरीका नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या आप ब्रत लघु लिखा दिया है, समझ में नहीं आ रहा कुछ, आपने तो कुछ बताया ही नहीं, है ना। तो बेटा पहले आपका आएगा कथन एक, पहले आपका आएगा एक कथन, और कथन के अंदर एक आपको इक्वेशन दी जाएगी जिसमें आपको ग्रेटर लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल सारे के सारे चिन्ह मिल सकते हैं, है ना। उसके बाद नीचे आपको निष्कर्ष दिए जाएंगे और निष्कर्ष में हमसे ये पूछेगा कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है, या दोनों निष्कर्ष सही है या दोनों निष्कर्ष गलत है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहता कथन हमारा यहाँ पे ही आया है कि ए ग्रेटर बी, बड़ा लिख दूँ, चलो ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी ग्रेटर इक्वल डी बराबर ई लेस इक्वल एफ और लेस जी ग्रेटर एच, इस तरीके से आपको एक इक्वेशन दे दी गई, ठीक है। अब मुझसे एक निष्कर्ष फर्स्ट उसने पूछा है कि बताइए ए ग्रेटर डी क्या होगा, और दूसरा मुझसे पूछा ए ग्रेटर ई क्या होगा, ए ग्रेटर डी क्या होगा और ए ग्रेटर ई क्या होगा, बताइए भाई, बताइए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखे फटाफट, कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखिए। जितने लोग ये मूवी है, मूवी नहीं क्या, जो लोग ये सेशन देख रहे हैं, ठीक है, जो लोग ये सेशन देख रहे हैं अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना। सिनेमा अगर खुल गए, और यही सिनेमा चल रहा है अपना तो, है ना। चलो भाई बताइए क्या है आंसर। देखो भाई ए से डी पे जाना है, निष्कर्ष चेक करेंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। भाई ए से डी पे जाना है, अब ए से डी पे जाने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आपको ग्रेटर चेक करना होता है तो क्या करते हैं कि कम से कम एक ग्रेटर मिल जाना चाहिए, बसरते चिन्ह ना बदले। अब आपको ए से यहाँ से लेके यहाँ पे जाना है, डी पर जाना है। अब आपने देखा कि आपको पहले कौन सा चिन्ह मिला, ग्रेटर मिल गया, और मुझे कम से कम एक ग्रेटर चाहिए था, वो मुझे मिल चुका है, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं 100% श्योर हो गया कि ये अभी मेरा सही हो सकता है, सॉरी यहाँ पे मैं ये श्योर हो गया कि अभी ये सही हो सकता है, अभी मैं 100% नहीं कहूँगा। क्यों, इसका रीज़न ये है कि अगर आगे जाके चिन्ह बदल गया फिर क्या करोगे, अभी तो तुम यहाँ पे 100% श्योर हो गए थे, है ना। इस वजह से मैंने यहाँ पे जैसे ही ग्रेटर देखा और कम से कम एक ग्रेटर चाहिए था, वो मिल चुका है, बस आपको अब ये चेक कर लेना है चिन्ह ना बदलना चाहिए, जो ग्रेटर है वो ग्रेटर ही आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेटर, आगे बढ़े तब भी ग्रेटर, और यहाँ भी आपको ग्रेटर दिख ही रहा है, ठीक है, और कम से कम एक ग्रेटर चाहिए था मिल गया, तो ये पहला वाला क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। दूसरा वाला चेक करो भाई, ए से ई पे जाना है, ए से ई पे जाना है, क्या चेक करना है, ग्रेटर चेक करना है। तो अब आपको कहाँ पे कैसे जाना है वो बताओ। देखो भाई ए से ई पे जाना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए, कम से कम एक ग्रेटर चाहिए था, पहले ही मिल गया। अब आपको क्या देखना है, चिन्ह ना बदलना चाहिए। तो देखो क्या चिन्ह बदला, आगे बढ़े नहीं बदला, क्या चिन्ह बदला, नहीं बदला। यहाँ पे देखा तो ये बराबर आ रहा है, और बराबर का मतलब मैंने अभी आपको बताया था क्या था, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी सही हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है ना। अच्छा अब देखो इसी क्वेश्चन में और निष्कर्ष कैसे पूछे जाएंगे। देखो इधर ये कथन दे दिया हमें, और इस कथन में हमसे क्या पूछ रहा है, दो निष्कर्ष और दे दिए उसने कि बताइए भाई सी ग्रेटर एफ और सी ग्रेटर जी, सी ग्रेटर एफ और सी ग्रेटर जी दोनों बताइए क्या होगा, बताइए भाई क्या आ रहा है इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखें सभी लोग फटाफट। तो देखो भाई कैसे करेंगे, मैंने क्या चेक करना है, ग्रेटर चेक करना है ना, क्या चेक करना है, ग्रेटर।
अब सी से आपको कहाँ पे जाना है, एफ पे जाना है भाई, सी ए रहा एफ ए रहा, यहाँ तक जाना है। ग्रेटर चेक करने के लिए कम से कम एक ग्रेटर चाहिए था मुझे, अभी यहाँ पे ग्रेटर इक्वल मिला है, क्या मिला है ग्रेटर इक्वल, क्या एक ग्रेटर मिला अभी, नहीं मिला। आगे बढ़े तो आगे बराबर मिल रहा है, चलो अभी बराबर का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब फिर आगे बढ़े तो यहाँ चिन्ह बदल गया, और चिन्ह बदल गया इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब मुझे सी से जी पे जाना है, अब सी से जी पे जाना है, आगे बढ़े तो मैंने देखा यहाँ पे आपको ग्रेटर मिल रहा है भाई, ग्रेटर चेक करना है, ग्रेटर इक्वल मिल रहा है, अभी सही हो सकता हूँ, क्यों कम से कम एक ग्रेटर चाहिए था, क्या यहाँ पे मुझे आ रहे आगे बढ़े तो बराबर मिल रहा है, और देखा तो यहाँ पे चिन्ह बदल गया, और चिन्ह बदल गया तो ये क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अब आप कह रहे होंगे कि सर इसके ऑप्शन कैसे आते हैं, तो भाई ऑप्शन भी देख लो, ऑप्शन कैसे आते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड से, है ना, यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ऑप्शन आएगा कि पहला ऑप्शन जो आपका रहेगा ए, क्या रहेगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। बी ऑप्शन जो आएगा वो रहेगा केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तीसरा जो ऑप्शन रहेगा आपका, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। चौथा ऑप्शन जो होता है वो होगा ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है, और एक ऑप्शन और होता है निष्कर्ष फर्स्ट एवं सेकंड अनुसरण करता है। ये पांच ऑप्शन आते हैं। अब वही पैट है और पैट का एग्ज़ाम है, तो कोई से चार ऑप्शन आपको आ जाएंगे, ये वाले में से इनमें से कोई सा एक चार ऑप्शन आपको दिया जा सकता है, बताओ, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, है ना, दूसरा क्वेश्चन उठाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, है ना। देखो भाई लिखिए कथन, कथन लिखिए क्या होगा, कथन हमें दिया गया है डब्लू ग्रेटर इक्वल डी लेस एम लेस पी लेस ए बराबर एफ, ठीक है, और निष्कर्ष हमें क्या दिए गए हैं, निष्कर्ष जो हमें दिए गए हैं वो है एफ ग्रेटर डी, और दूसरा जो हमें दिया गया है पी लेस डब्लू। बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, बताओ बताइए भाई। तो भाई देख लेते हैं, है ना, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो भाई हमें एफ से डी पे जाना है, अब एफ से डी पे जाने के लिए कैसे जाएंगे भाई, एफ ये रहा और डी कहाँ है ये रहा, मुझे क्या चेक करना है, ग्रेटर का साइन चेक करना है। अब ग्रेटर का साइन चेक करने के लिए आप आगे बढ़ोगे एफ से आगे बढ़ोगे, बराबर मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, आगे बढ़े ग्रेटर मिल गया, कम से कम एक ग्रेटर चाहिए था, दिखाई दे रहा है, फिर आगे बढ़े ग्रेटर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़े ग्रेटर मिल रहा है, कम से कम एक ग्रेटर मिलना चाहिए था, मिल गया, और दूसरी बात क्या थी, चिन्ह नहीं बदलना चाहिए था और चिन्ह भी नहीं बदला, इस वजह से पहला वाला क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या चेक करना है, पी लेस डब्लू। अब पी लेस डब्लू चेक करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, पी से आप डब्लू पे जाएंगे,
पी से आपको डब्ल्यू पे जाना है। अब पी से डब्ल्यू पे जाने के लिए आपको चेक क्या करना है बेटा, लेस चेक करना है। तो कम से कम एक लेस आपको मिलना चाहिए। और जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे आपको ग्रेटर दिखाई दे रहा है, पहले ही चिन्ह बदल गया। और जब पहले ही चिन्ह बदल गया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर हुआ? अगर यहीं पे तीसरा ऑप्शन ये ऐसे बोलता कि पी ग्रेटर डब्ल्यू, अब बताइए पी ग्रेटर डब्ल्यू क्या होगा, सही होगा या गलत, सही होगा या गलत। देखिए भाई, पी से डब्ल्यू पे जाना है भाई, यहां से यहां पे जाना है, क्या चेक करना है, ग्रेटर चेक करना है। कम से कम एक ग्रेटर आपको मिलना चाहिए। मैं आगे बढ़ा, ग्रेटर मिल गया, ठीक है ग्रेटर मिल गया। अब आपको बस ये चेक करना है चिन्ह तो नहीं बदल रहा। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा फिर से आपको ग्रेटर मिल रहा है, और फिर मैं आगे बढ़ा तो यहाँ पे आपको चिन्ह बदला हुआ दिखाई दे गया। और जैसे ही चिन्ह बदला हुआ दिखाई देगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका गलत हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है सभी को? अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें कि समझ में नहीं आया, तो आपको वहीं की वहीं समझा देंगे, है ना। देखो भाई अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन लिखिए। कथन क्या दिया गया है भाई, एच ग्रेटर इक्वल, एच ग्रेटर इक्वल एम, एच ग्रेटर इक्वल एम ग्रेटर एफ लेस ए बराबर बी और ग्रेटर एस। और पहला मुझसे निष्कर्ष पूछा है, निष्कर्ष नंबर फर्स्ट हमसे पूछा गया है कि H ग्रेटर देन B, बताइए क्या होगा। और दूसरा F लेस S क्या होगा, बताइए बेटा कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, आंसर बताइए फटाफट। देखो आपको H से B पे जाना है भाई, H से B पे जाओ, यहाँ तक जाना है आपको। क्या चेक करना है बेटा, ग्रेटर चेक करना है। और ग्रेटर चेक करना है, जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो यहाँ पे आपको ग्रेटर इक्वल मिल गया। अभी मैं सही हो सकता हूँ, चिन्ह बदला नहीं है, अभी मैं सही हो सकता हूँ, मुझे कम से कम एक ग्रेटर चाहिए। फिर मैं आगे बढ़ा, मुझे कम से कम एक ग्रेटर भी मिल गया, ठीक है, कम से कम एक ग्रेटर मिल चुका है। और यहाँ पे ग्रेटर इक्वल मिल रहा था, इसका मतलब क्या था, सही हो सकता हूँ। फिर आगे मिल के आगे गए तो ग्रेटर मिल गया, अभी मैं ये श्योर हो गया कि अभी ये बड़ा है, ठीक है। अब बस ये चेक करना है कि आपका चिन्ह तो नहीं बदला। और जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो ये देखो आपका चिन्ह बदल गया, और चिन्ह बदल गया इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। बताइए बात समझ में आई। ऐसे ही एफ से एस पर जाना है, एफ से एस पर जाना है, ये रहा। अब मुझे क्या चेक करना है बेटा, लेस चेक करना है। तो मैंने देखा भाई ये लेस मिल रहा है, कम से कम एक चाहिए था, दिखाई दे गया। फिर आगे बढ़े तो बराबर, बराबर का मतलब कोई फर्क नहीं। और फिर आगे बढ़े तो चिन्ह बदल गया, और जैसे ही चिन्ह बदला ये हो गया क्या, गलत। बताइए समझ में आ रही है ना बात, अगर कोई डाउट हो तो बता दो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इसी में मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूँ, इसी में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा चेंज मैंने क्या किया, यहाँ मैंने ग्रेटर कर दिया, एक ग्रेटर इक्वल कर दिया, और यहाँ कर दिया ग्रेटर, ठीक है, और इधर कर दिया लेस इक्वल। ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया इस क्वेश्चन में। और निष्कर्ष नंबर फर्स्ट मुझसे पूछा गया कि बताइए H ग्रेटर इक्वल F क्या होगा, और दूसरा M ग्रेटर इक्वल A क्या होगा, M ग्रेटर इक्वल B क्या होगा, ठीक है। और तीसरा मुझसे पूछ लिया उसने कि बताइए H ग्रेटर A क्या होगा, और चौथा मुझसे पूछ लिया A ग्रेटर S क्या होगा, सॉरी A इक्वल S क्या होगा। ये चार निष्कर्ष हमें दिए गए। अब इन चार निष्कर्षों के बारे में बताना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही है और कौन सा निष्कर्ष आपका गलत है। बताइए बेटा, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ आज, सिंपल सिंपल। है ना,
अब देखो इधर, समझ लें कौन सा सही है। बस वही प्रोसेस, अगर आपको ग्रेटर चेक करना है तो कम से कम एक ग्रेटर चाहिए, अगर आपको लेस चेक करना है तो कम से कम एक लेस चाहिए, लेकिन चिन्ह नहीं बदले। अब चिन्ह नहीं बदले इसका मतलब अगर चिन्ह बदल गया तो गलत और चिन्ह नहीं बदला तो सही, ठीक है। वही चीज़ आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है। तो देखो H से F पर जाना है, H से F पर जाना है, तो मैंने आपको क्या बताया, H जब भी आप ग्रेटर इक्वल चेक करेंगे तो ग्रेटर इक्वल चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको ग्रेटर इक्वल ही मिलना चाहिए, इसके अलावा कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेटर इक्वल चेक करने के लिए भाई देखो H से F पर जाना है, मुझे ग्रेटर इक्वल चेक करना है, ग्रेटर इक्वल मिल गया है ना, और ग्रेटर इक्वल ये मिल रहा है, तो यानी कि ये क्या है, सही है, ठीक है। और अगर तुम कहते कि बराबर में आ जाए तो, आप बराबर आ जाए तो क्या करें, तो बराबर का तो मतलब मैंने आपको बताया ही है ना, क्या कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बताया था ना बराबर का मतलब क्या बताया, कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। तो ग्रेटर इक्वल चाहिए था, ग्रेटर इक्वल मिल गया, ग्रेटर इक्वल चाहिए था, ग्रेटर इक्वल मिल गया, ग्रेटर इक्वल चाहिए था, ग्रेटर इक्वल मिल चुका है ना, तो इस वजह से पहला सही है। फिर मैंने दूसरा चेक किया, एम ग्रेटर इक्वल बी, एम ग्रेटर इक्वल बी, अब देखो मुझे एम से बी पे जाना है, तो एम ये रहा बी ये रहा, ठीक है, एम ये रहा बी ये रहा, मुझे क्या चेक करना है, ग्रेटर इक्वल, तो केवल और केवल ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, तो मैंने देखा आगे ग्रेटर इक्वल मिल गया, और फिर आगे बढ़ा मुझे ग्रेटर दिखाई दे रहा है, और जैसे ही ग्रेटर दिखाई दिया तो आप ये बताइए यहाँ पे आप 100% श्योर हो चुके हो, है ना, और ये 50% का साइन है, क्या होगा ये गलत हो जाएगा, क्या होगा ये गलत हो जाएगा, बात समझ में आई ना आपके। ऐसे ही अब मैं तीसरा चेक करूँगा कि H से A पर जाना है, H से A पर जाना है, तो H से A पर जाने के लिए कैसे जाओगे, यहाँ से यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो ग्रेटर का मतलब आप जब ग्रेटर चेक करते हैं तो ग्रेटर कैसे चेक होगा कि कम से कम एक ग्रेटर मिलना चाहिए, तो कम से कम एक ग्रेटर चेक करने के लिए भाई देखो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल मिल रहा है, अभी मैं सही हो सकता हूँ, फिर ग्रेटर इक्वल मिला, अभी भी सही हो सकता हूँ, और एक कम से कम ग्रेटर यहाँ पे मिल गया, और जैसे ही कम से कम एक ग्रेटर मिला अब आगे जाके ए दिखाई दे ही चुका है ना, चिन्ह तो बदला नहीं, और जब चिन्ह नहीं बदला इस वजह से ये क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद A बराबर S, अब याद रखना जब भी आपको बराबर काउंट करना है, मतलब बराबर आपको चेक करना है, तो बराबर के लिए केवल और केवल केवल और केवल बराबर ही होना चाहिए, केवल और केवल बराबर ही होना चाहिए, इसके अलावा चाहे आपका ग्रेटर आ जाए, इसके अलावा अगर आपका ग्रेटर आ रहा है लेस आ रहा है, ग्रेटर इक्वल आ रहा है लेस इक्वल आ रहा है, गलत कर दो बिना देखे। देखो भाई आपको ए से एस पे जाना है, भाई ए का है ये रहा, एस का है ये रहा, मुझे केवल और केवल क्या चाहिए बराबर चेक करने के लिए, केवल और केवल बराबर ही मिलना चाहिए, तो मैंने देखा बराबर मिल रहा है। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल मिल गया, और ग्रेटर इक्वल मिल गया तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है ना पॉइंट, अच्छा। अब इसी में अगर मैं एक क्वेश्चन एक निष्कर्ष और बढ़ा दूं, मैं अगर ये कहता निष्कर्ष नंबर पाँचवा कि ए ग्रेटर इक्वल एस क्या होगा, ए ग्रेटर इक्वल एस क्या होगा, और छठवा, चलो ये मैं अलग से दे दे रहा हूँ, है ना। देखो भाई पहला दिया निष्कर्ष, फर्स्ट दिया उसने ए ग्रेटर इक्वल एस, और दूसरा एफ सॉरी एम ग्रेटर ए, बताइए एम ग्रेटर, ये दोनों निष्कर्ष आपको बताने हैं, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, बताइए भाई बताइए बताइए। चलो देखें, तो ए ग्रेटर इक्वल एस चेक करना है, अब ए ग्रेटर इक्वल एस चेक करना है, मैंने आपको क्या बताया ग्रेटर इक्वल चेक करने के लिए ग्रेटर इक्वल मिलना चाहिए, और बराबर मिल जाए तो कोई फर्क ही नहीं है, तो मैंने देखा ए से एस पे जाने के लिए भाई ग्रेट पहले मिल गया बराबर, बराबर का मतलब कोई फर्क नहीं, बराबर का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, और जैसे ही आगे बढ़ा ग्रेटर इक्वल मिल गया, ग्रेटर इक्वल मिल गया सही हो गया, सही हो गया मतलब ये सही हो गया लो, ठीक है। अब M से A पर जाना है, M से A पर जाना है, आपको क्या चेक करना है ग्रेटर,
ग्रेटर चेक करना है। अब ग्रेटर चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि भाई कम से कम एक ग्रेटर मिल जाना चाहिए, बशर्ते चिन्ह ना बदले। तो M से A पर जाओ, M ये रहा, A ये रहा, ग्रेटर इक्वल मिल रहा है भाई। M से आगे बढ़ोगे ग्रेटर इक्वल मिला, फिर और आगे बढ़ोगे कम से कम एक ग्रेटर मिल गया। ओके, कम से कम एक ग्रेटर मिला, वैसे ही ये क्या हो गया मेरा, सही हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो आज की क्लास में आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आप ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, लेस, लेस इक्वल चेक करते हैं, है ना। अगली क्लास में इसमें मैं और सारे और क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, झा क्लासेस फिरोजाबाद, है ना। और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, है ना, और वीडियो को लाइक कर दें और पूरे इंडिया में फैला दो। ठीक है, फैला दो सब में, जितने भी ग्रुप में आपके पास, सबके पास फैला दो। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।